किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि जब आए थे इस जहां में तो बंदे थे खुदा के, जिंदगी की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। आज एक बात मेरे मन में आती है कि जिंदगी में हमने जितना सामान बटोरा है दोस्तों, क्या उतना ही हमने सुकून को बटोरा है? आज इस भागती दौड़ती जिंदगी में कहीं ना कहीं मानव अपने आप से ही परेशान हो जाता है और अपनी खुशी अपनी शांति को खो बैठता है। दोस्तों, एक बारी की बात है कि एक राजा बहुत प्रतापी था। वो हर साल अपने राज्य में एक प्रतियोगिता आयोजित करता था। अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिता होती और लोग उसमें इनाम जीतकर बहुत खुश होते थे। एक दिन उसने सोचा कि मेरे दरबार में कोई राजपुरुष होना चाहिए, एक ऐसा राजपुरुष जो कि ईमानदार हो, मेहनती हो, प्रजापालक हो और अपनी प्रजा के लिए कुछ कार्य भला का करे। तो उसने एक अनोखी प्रतियोगिता का दोस्तों आयोजन किया। उसने पूरे दरबार में और अपने देश में मुनादी करा दी कि भाई मेरे सारे दरबार की कीमती वस्तुएं आज इस उद्यान में होगी और जो व्यक्ति इस उद्यान में सबसे कीमती वस्तु लाकर मेरे सामने प्रस्तुत करेगा तो उस व्यक्ति को राजपुरुष घोषित किया जाएगा। राजा विद्वान था, उसने अपने दरबार की अनेकों अनेक कीमती वस्तुओं को बाहर रख दिया। किसी भी चीज का दोस्तों मूल्य निर्धारित ही नहीं किया गया, ये लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया कि सबसे कीमती चीज क्या है। हजारों लोग वहां पर आने लगे। कोई व्यक्ति कभी हीरे जवाहरात उठाकर लाया, कोई व्यक्ति कीमती मूर्तियां उठाकर लाया, कोई व्यक्ति कुछ अनेकों प्रकार की चीजें उठाकर लेकर आया, कोई रत्न जड़ित ताज लेकर आया, कोई तलवार लेकर आया। हर व्यक्ति अपने अनुसार राजा के सामने कीमती वस्तु लाकर उपस्थित कर रहा था और अपना मूल्य राजा के सामने रख रहा था। राजा मुस्कुराता रहा। तभी दोस्तों एक व्यक्ति साधारण लिबास में राजा के पास आया और राजा ने पूछा कि तुम क्या लाए हो? दोस्तों वो व्यक्ति खाली हाथ आया था। तो उसने कहा, राजन मैं तो ये लाया हूं। तो राजन ने कहा, भाई तुम्हारे हाथ तो खाली है, तुम्हें इतनी मूल्यवान वस्तुओं में से कोई भी ऐसी वस्तु नहीं मिली जो कि अत्यधिक मूल्यवान हो, तुम यहां पर खाली हाथ आ गए। तो वो मुस्कुराने लगा। उसने कहा, राजन नहीं, मैं तो इस उद्यान में से संतोष धन लाया। तो राजन ने कहा कि क्या तुम समझते हो ये संतोष धन बाकी सब वस्तुओं से भी अधिक मूल्यवान है? तो वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, हाँ राजन, मेरा मानना है कि ये संतोष धन अनेकों अनेक इन मूल्यवान वस्तुओं से भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि राजन ये स्थूल वस्तुएं कुछ समय के लिए हमको सुख और आनंद की प्राप्ति करा सकती है, लेकिन जब भी हम उस सुख का अनुभव करते हैं तो हमारे मन का स्वभाव फिर उछलता है और हमें अनेकों वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा पुनः उत्पन्न हो जाती है और हम पुनः भागने लगते हैं। लेकिन राजन, जिस व्यक्ति ने अपने मन में संतोष धारण किया है, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में सुख और चैन को धारण किया है, तो उस वह व्यक्ति सदा अपने जीवन में शांत रहता है, खुश रहता है, आनंद का अनुभव करता है। राजन, जो व्यक्ति संतोष धन से सदा पर्याप्त है, उसके जीवन में शांति और सुख सदा उसकी परछाई के साथ चलता है और उसको अपने जीवन की सब वस्तुएं स्वतः ही मिल जाती हैं यदि वो यथार्थ रूप से निष्ठा से सच्चाई से अपना कर्म करता रहे। दोस्तों, राजन उसकी बात को सुनकर गदगद हो गया। उसने उठकर उसे गले लगाया और उसे अपने दरबार का राजपुरुष घोषित कर दिया। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन को भी झांक कर देखें कि आज हमारा जीवन भी भागता रहता है, दौड़ता रहता है और अपने जीवन में अनेकों अनेक प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा करते रहते हैं। जरूरी है, कुछ वस्तुएं हमारे जीवन में जरूरी हैं, कुछ सामान हमारे जीवन में जरूरी है और उनकी अनेक प्रकार की वैरायटी भी हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, यदि हमारा मन उस सामान के पीछे ही, उन स्थूल वस्तुओं के पीछे ही भागता रहे तो हमारा मन कभी भी सुख और शांति को अपने जीवन में दोस्तों खोज नहीं पाएगा। इसलिए यदि हम अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो संतुष्टता के इस गुण को, संतोष धन को सदा अपने मन अपने हृदय में सजा कर रखिए। जो व्यक्ति संतुष्ट है वही अपने जीवन में सुखी है दोस्तों। तभी किसी ने कहा है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। परमात्मा हमारी सब इच्छाओं को, हमारी जरूरतों को जरूर पूरी करेगा। ओम शांति, नमस्कार।